यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। क्या हुआ अंश? जंगल में आग जल रही हो, इसका मतलब वहां कोई इंसान है। इतने घने जंगल में इस वक्त अंश और पिया के अलावा और कौन हो सकता है? लगता है कोई आ रहा है अंश। कोई नहीं, मोना आ रही है। मोना? चलो पिया। देखती हूँ कहाँ तक भागते हैं। घबराओ मत भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब कहाँ भागोगे? पिछली बार तो तुम लोग बच के भाग गए थे, लेकिन अब बस, अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। पिया अब मुझसे नहीं बच पाएगी। मेरे रास्ते से हट जाओ अंश। जब जब आपका रास्ता पिया की तरफ जाएगा, आप मुझे अपने रास्ते में खड़ा पाएगी। लेकिन फिर भी तुम मुझे पिया तक पहुंचने से नहीं रोक पाओगे। देखते हैं।
मैंने मोना को पाताल कैद की और सर प्रक्षा धागे से बांध दिया, लेकिन वो बहुत देर तक मोना को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो। लेकिन पापा, इतना काफी नहीं होगा, हम कहीं भी जाएंगे मोहन हमें ढूंढ ही लेगी, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। मैं जानता हूँ कैसे, मेरी वजह से। वो मेरा पीछा करती है क्योंकि वो मुझे ढूंढ सकती है। अंश सही कह रहा है गुड़िया, अंश और मोना के बीच में रक्त बंधन है और मोना उसी का फायदा उठाती है। लेकिन बाबा, कोई तरीका तो होगा मोना को रोकने का। I'm sorry बेटा, माँ और बेटे के रक्त बंधन को हम ना तोड़ सकते हैं और ना बदल सकते हैं। इसका मतलब हम मोहना को हमारे पीछे आने से नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। एक तरीका है जिससे हम मोहना को तुम्हारे पीछे आने से रोक सकते हैं। चले जाते हैं, ये सब कहाँ ढूंढने? अबे तुम यहाँ हो, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं? ढूंढ रहे? क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो यही थी। अरे क्या झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ कहाँ थी? पूरा दो बार उघर हम पूरा ठीक तरीके से ढूंढे हैं और तुम हमको यहाँ मिल रही हो। What nonsense? तुम पागल हो क्या? अरे पागल nonsense का होता है? हाँ? सच बोल रहे हैं हम तुमसे। और हमको पता है तुम हमको ना जान बूझ के नहीं बताती हो ये सब, लेकिन हम भी कम नहीं है, बहुत स्मार्ट है, फुल फ्लेज ट्रेनिंग में चल रहे हैं नमन रीवावंशी बनने के। ट्रेनिंग चल रही है, रीवावंशी बने नहीं हो? पता नहीं बनोगे भी या नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो यार, तुम पिया की मदद करने गई थी ना? हाँ, पिया दी का कॉल तो आया था। तो क्या मैंने उनको बताया कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए? अबे ये हमको कैसे पता चलेगा, तुम हमको बताती हो, और एक तो तुम यहाँ थी भी नहीं। ये तुम क्या बार बार कह रहे हो, मैं यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ नहीं थी। अरे नहीं थी तो नहीं थी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? मैं यहाँ नहीं थी तो फिर मैं कहाँ थी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंश? समझने की कोशिश करो प्रिया, जब तक तुम मेरे साथ हो मोहना को पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो, तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम मुझे ढूंढोगे कैसे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है। हम कौन सा सारी जिंदगी ऐसे भटकते रहने वाले हैं प्रिया? बस कुछ दिनों की बात है, जब तक हमारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता हमें मोहना को इससे दूर रखना है, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। पागल हो गए हो क्या अंश? मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? इस प्रॉब्लम का यही सलूशन है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अंश। कोई और सलूशन होगा ना? तुमने वादा किया था ना मेरा ध्यान रखोगे, मेरे साथ रहोगे, अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? मैं वादा तोड़ नहीं रहा, निभा रहा हूं तुम्हारी और बच्चे की हिफाजत का वादा। मुझे यहां से निकलना होगा वरना अंश और पिया बहुत दूर निकल जाएंगे। पिया कहाँ है? मैंने पूछा पिया कहाँ है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ अंश, पिया कहाँ है? इन पत्तियों को ध्यान से देखिए। पिया बता रही थी इन पत्तियों में बहुत ताकत होती, कोई भी जख्म जल्द से भर देती। आप सोच रही होगी कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो डायन हैं, अपने आप को खुद ही ठीक कर सकती है ना? लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, क्या पता कल को मेरा बच्चा होने के बाद आपके पास शक्तियां ना रहे, तब तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। बकवास बंद करो और ये बताओ पिया कहाँ है? पिया वही है जहां उसे होना चाहिए, आपकी बहुत से दूर। माना आप बहुत चालाक हैं, लेकिन आप भूल गई कि मैं आप ही का कौन हूं। मैं जानता था कि आप मुझे बड़ी आसानी से ढूंढ सकती, इसलिए मैं पिया से अलग होगी और आपको यहां लिया। अब तक तो पिया वहां पहुंच भी गई होगी जहां उसे जाना था, जहां आप कभी नहीं पहुंच पाएगी।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो तुम पिया के पास जरूर जाओगे। और नहीं गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पिया से इतना प्यार करते हो कि उससे दूर रह नहीं सकते। पिया से मैं इतना प्यार करता हूँ कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। दूर रहना तो बहुत छोटी सी बात है। और जब तुम्हारा बच्चा होगा तब कब तक अपने बच्चे से दूर रहोगे? मैं जानती हूँ उसके पैदा होते ही तुम भागे भागे पिया के पास जाओगे और उसी दिन का मुझे इंतजार रहेगा। बेचारा अंश पूरे 6 महीनों से पिया से दूर है। पिया के बगैर तो ये खाना पीना सोना सब भूल गया। जब रोज शाम को ये दिया जलता है तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। छह बज गए, तुम्हारे बाबा को बताने का वक्त आ गया है कि हम दोनों ठीक हैं। पिया ने अब तक दिया क्यों नहीं चला? लगता है पिया मुसीबत में। माँ, लगता है पिया मुसीबत में। उसे हमारी मदद की जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन घबराना नहीं है। भले ही हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हो, लेकिन एक दूसरे के लिए काफी है। पापा मुझे सब कुछ बता के गए थे। ढूंढू मैं तुम्हें?
लोग मुझे ले जाओगे ना प्रिया के पास, पिछली बार की तरह? ये तो भारत शिवलिंग मंदिर है, तो क्या प्रिया यहाँ है? मेरा बेवकूफ बच्चा, जितना मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा था, तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। काश तुम्हारे पापा भी इस वक्त यहां होते। तुम यहां से हिलोगे नहीं अंश, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म ना कर दूं। बना आया, बड़ा मजा आया। आखिर उन लोगों ने तुम्हें उल्लू बना ही दिया। चुड़ैल? हाँ मैं। अंश और प्रिया तो अपने बच्चे को लेकर कब का यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था तुम्हें उलझा के रखने के लिए, और देखो तुम फिर से बेवकूफ बन गए। अब तो मानते हो ना कि बेवकूफ चुड़ैल नहीं डायन होती है। लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे। बाहर तो तुम्हें यहीं से आना होगा।
पानी, अंश हमारा बच्चा। तुम लोग मौत को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन टाल नहीं सकते। अंश, अंश, अब क्या करें? ना हम यहाँ रह सकते, ना बाहर जा सकते हैं। ये बाहर जाने का एक ही रास्ता है क्या? हाँ, वही जहाँ मोहना खड़ी है। आइए आप लोग। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपने बच्चे को मुझसे बचा सकते हो? आप शायद भूल रही है कि आपका अंत मेरे बच्चे के हाथों लिखा है। लेकिन उसके पहले मैं इस बच्चे का अंत कर दूंगी। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा मोहना, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथों में है। तुम्हारा ये भ्रम मैं अभी दूर कर देती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ अंश, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे को अपने बाप के हाथों अंतिम संस्कार भी नसीब ना हो। या तुम जाओ यहाँ से, इन्हें तो मैं संभालता हूँ। लेकिन अंश तुम, मैंने कहा जाओ यहाँ से।
हमारे पीछे क्यों नहीं भाग रही है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ, बच्चा नीचे गिरा फिर भी रोया नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इसका मतलब समझ ना सकूं। बच्चे तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ऐसी गलती भी मत करना मोना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेंगे? तिल और जवा कुसुम की बरसात करेंगे? मत भूलिए, मैं अब सिर्फ टायन नहीं, सरपायन हूं। अगर मेरे सर्पों ने आपको डस लिया तो आप पानी भी नहीं मांगेंगे। मौत का डर होता तो रीवा वंशी कभी नहीं बनता है। मौत का डर तुम्हें है मोना, मुझे नहीं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे सर्प घातक चक्र में बांधने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को पता है ना इसका नतीजा क्या होगा? आई होप इसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर आई तो मोहना के खिलाफ ये हमारा आखिरी हथियार होगा। लेकिन निशान जी, ये है क्या? रक्त विभूति। हमें मोहना के इर्द गिर्द इस रक्त विभूति का चक्र बनाना होगा, और जैसे ये चक्र पूरा होगा सर्प घातक चक्र बन जाएगा जो मोहना को बांध के रखेगा। कब तक निशान जी? जब तक हम उस चक्र को पकड़कर खड़े रहेंगे। अगर ऐसा है तो हम इस चक्र को सारी जिंदगी पकड़ के रखेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। सर्प घातक चक्र को पकड़ना यानी आग को पकड़ना। हमारे हाथ तो जलेंगे ही और साथ साथ हमारी जान भी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मोहना, हमारी जान चली जाएगी ना, हम अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकते हैं। वेनिशी, तुम बच्चे को लेके जाओ, जल्दी। नहीं, जल्दी जाइए भाभी, जाइए भाभी, जल्दी वेनिशी, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। खुद को इतना दर्द दे रहे हैं? जिसके लिए इतना बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं बचेगा। मेरी बात मानो, हार मान लो। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता मोना।
हम तुम जैसे नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों की जान दांव पर लगा दें। हम वो हैं कि अपने बच्चों के लिए अपनी जान देते हैं। ये छुटकी कहाँ गई? वैदेशी उठो। ए वैदेशी, ए आंखें खोलो जी। भाभी उठो ना भाभी। वैदेशी, आंखें खोलो जी, आंखें खोलो। भाभी। वैदेशी। भाभी। 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 तुम पानी में कैसे पहुंची थी? भाभी, बच्चा, बच्चा कहाँ है भाभी? मित्री जी, मुन्ना, क्या हुआ? क्या हुआ मुन्ने को भाभी? मित्री जी, बच्चा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ मुन्ने? वो भाभी, भाभी बोली ना? भाभी है ना? मैं बहुत कोशिश की, मैं नहीं बचा पाई, मैं नहीं जा पाई उससे। वक्त बहुत हो गया है पिया, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है, हम चलकर उन्हें ढूंढते हैं। लो आ गए। लेकिन अंश, बच्चा कहाँ है?
बोले ना चाची, बच्चा कहाँ है? बाबा मेरा बच्चा कहाँ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माँ माँ बोलिए ना, बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा हो गया, हो गया। नहीं मार करने दी थी, मैं गया और तुम्हारी खुने के आरोपी हूँ, मुझे माफ कर दो। ननी ननी मैं जाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं गया, मैं नहीं पहुंच पाई उस तक। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, नहीं बचा पाई उसे। आइए आंटी जी। तुमने तो कहा था कि कोई कॉलेज फंक्शन है, फिर यहाँ क्यों लेकर आए? वो आंटी एक्चुअली मैंने इससे कहा था कि झूठ बोले आपसे। तो तुमने झूठ बोलकर बुलवाया हमें यहाँ पे? नहीं वो एक्चुअली आंटी ना, चलो नहीं। आंटी आंटी प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपको ऐसे झूठ बोल के बुलवाया, पर अगर आप मेरी बात सुन लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। वैसे भी मुझे बहुत जल्दी है, मुझे सुनार के पास जाना है, अपने बेटे का कड़ा ठीक कराना है। चलो नीरज। आंटी आंटी प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? अरे आप बैठिए तो। देखिए मुझे माफ करिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे घबराहट हो रही है यहाँ पे। एक तो आप सबने झूठ बोलकर हम लोग को यहाँ बुलवा लिया और आप जाने भी नहीं दे रहे, ऐसी क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है आंटी जी, मुद्दा एकदम क्लियर है। हम आपको यहाँ ये बताने के लिए लेके आए हैं कि आपका बेटा राक्षस है। राक्षस है। मत रखो भाभी। मैंने पुलिस फोर्स को सर्च ऑपरेशन पे लगा दिया, वो हर जगह बच्चे को ढूंढ रहे। वैद्यशी ने बताया कि बच्चा टोकरी में था, उसका मतलब है बच्चा ढूंढ नहीं सकता। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि बच्चा टोकरी के साथ कहीं बह गया होगा। लेकिन कहाँ निशान जी? जहाँ वो नदी जाती है। अंश, मैं बांदा पे पली बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ वो नदी कहाँ जाती है। तो चलो अभी जाकर वहां ढूंढते हैं। चलो चलो, अच्छा है, बच्चे को ढूंढने का काम तुम दोनों करो और मारने का काम मैं करूंगी। सच तो ये कि मैंने उसे गोद लिया था। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे में कमी है। वो कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और सबसे अच्छा भाई। समझ में आया आप लोगों को? ना जी, आप अपने जिस पुत्र की बात कर रही हैं ना, उसने पिछले 6 महीनों में 8 लड़कियों का अपहरण किया है। बेटी का कड़ा,